जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांजा परिवहन करने वाले दो आरोपियों को चापा पुलिस ने दबोचा। दिनांक 10/5/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बस्ती चापा से ऑटो बुक कर गांजा परिवहन करने सिवनी कुर्दा की ओर जाने वाले हैं, जिस पर तत्काल चापा पुलिस स्टाफ कुर्दा मोड़ सिवनी पहुंचकर घेराबंदी किया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए ऑटो को रुकवाया गया, जिसमें दो व्यक्ति बैग व कार्टून लेकर बैठे हुए मिले। ऑटो चालक से पूछताछ करने पर उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम में ग्राम सुंदरेली जाने हेतु 500 रुपये में बुकिंग कराया जाना बताया गया। ऑटो में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम प्रदीप साहू एवं दूसरे द्वारा अपना नाम असीम साहू, निवासी टुकरा थाना अताबीरा जिला बरगढ़ का रहने वाला बताया गया। उक्त व्यक्तियों की बैग तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना चापा में अपराध क्रमांक 255/23 धारा 20B 29 NDPS एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी प्रदीप साहू उम्र 37 वर्ष एवं असीम साहू उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी टुकरा थाना अताबीरा जिला बरगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपियों को दिनांक 11/5/2023 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चापा एवं स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जांजगीर पामगढ़ से पवन कुर्रे की खास रिपोर्ट, जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। दिनांक 10/5/23 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चापा बस्ती से सिवनी की ओर ऑटो बुक कर गांजे का परिवहन कर रहे हैं। उक्त सूचना प्राप्त होने पर इस सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार टीम रवाना की गई। टीम के द्वारा मौके पहुंचकर रेड किया गया, जिस पर उक्त ऑटो में दो व्यक्ति प्रदीप साहू एवं असीम साहू निवासी बरगढ़ के द्वारा परिवहन करते मिले, जिनके पास तलाशी लिए जाने पर उनके समक्ष कुल 4 किलो गांजा 4 पैकेट में मिला। उक्त आरोपियों से गवाहों के समक्ष गांजे की जब्ती की गई एवं आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 20B 29 NDPS एक्ट का अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विश्राम लिया गया। उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में विवेचना जारी है।